हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि है इन पार्टनरशिप विद HPCL। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है HPCL बैंक ऑफ बड़ौदा एनर्जी क्रेडिट कार्ड। और जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये एक फ्यूलिंग क्रेडिट कार्ड है, लेकिन फ्यूलिंग क्रेडिट कार्ड होते हुए भी आपको इस क्रेडिट कार्ड में दूसरे जगहों पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई भी कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर फीस जो कि है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका 499 रुपीज का जो एनुअल फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है ज्वाइनिंग बेनिफिट। आप जैसे इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो यहाँ पे आपको ऐसा ज्वाइनिंग गिफ्ट दिए जाते हैं 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन इस ज्वाइनिंग बेनिफिट को लेने का इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखा है। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाता है उसके फर्स्ट 60 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 5000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तभी आपको ये ज्वाइनिंग बेनिफिट मिलेगा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का। अगर आप 5000 रुपीज नहीं स्पेंड कर पाओगे फर्स्ट 60 डेज के अंदर तो आपको यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो, 5000 रुपीज स्पेंड करना फर्स्ट 60 डेज में कोई बड़ी बात नहीं है, तो कर लोगे तो यहाँ पे आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 25 पैसा की। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड बेनिफिट्स। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करते हो या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में स्पेंडिंग करते हो या फिर यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते हो तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही अगर हम अदर स्पेंड्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो 150 रुपीज स्पेंड करने पे आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलता है। आपको एक साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं और एक क्वार्टर में आपको एक बार लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि लाउंज बेनिफिट क्या है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में जाते हो तो वहां पे जो आपको खाना सर्व किया जाता है वो बिल्कुल फ्री में किया जाता है। आप फ्री में वहां पे चाय कॉफी ले सकते हो, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो, जितनी बार आपकी मर्जी हो आप उतनी बार फ्री में ले सकते हो। आप वहां पे वाईफाई यूज कर सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो, टीवी देख सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक साल में टोटल 4 बार कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आपको भी मेरी तरह मूवीज अगर देखना पसंद है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट ऑन योर मूवी टिकट। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेटीएम मूवीज में जाके अगर आप 2 मूवी टिकट कम से कम बुक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे वो होगा 100 रुपीज तक का। कार्ड के अगले बेनिफिट की हम बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में इजी ईएमआई का भी ऑप्शन मिलता है। मान लो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसकी वैल्यू 2500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में जो कि है फ्यूलिंग बेनिफिट। बिकॉज ये एक फ्यूलिंग क्रेडिट कार्ड है तो ऑब्वियस बात है आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो आपको फ्यूलिंग पे ही मिलेगा। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके HPCL के किसी भी पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो, LPG गैस परचेस करते हो या फिर अगर आप HP पे ऐप से स्पेंडिंग करते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो 5% तक का सेविंग। तो आपको इसी का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको 150 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा तो ही आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 150 रुपीज का HPCL पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो यहाँ पे आपको होगा 4% का सेविंग एज आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो जब भी आप 150 रुपीज का फ्यूलिंग कराओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 24 रिवॉर्ड पॉइंट्स, ठीक है। और जो 1% आपका जो बेनिफिट होगा वो आपका एज अ फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ होगा। तो जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके HPCL पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 से लेके 5000 के बीच का होगा तो आपको वहां पे मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर। तो जब भी फ्यूलिंग कराओगे तो आप यहाँ पे 5% का तक का जो सेविंग्स है वो कर लोगे इस क्रेडिट कार्ड से। आप इस क्रेडिट कार्ड से और भी बेनिफिट ले सकते हो अगर आप इनके HP Pay ऐप को डाउनलोड कर लेते हो और जब भी आप अपने HP Pay ऐप पे पहला 1000
1000 रुपीज का रिचार्ज करोगे तो यहाँ पे आपको एज अ ज्वाइनिंग बेनिफिट दिया जाएगा 100 रुपीज, और साथ में जब भी आप अपने एच पी पे ऐप का यूज करके अगर आप फ्यूल परचेस करोगे तो 100 रुपीज का फ्यूल परचेस करने पे आपको 1.5% का पे बैक पॉइंट मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप इनके एच पी पे ऐप का यूज करते हो। तो अब फाइनली बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो आप उस क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। तो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए, आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, अगर आप जॉब करते हो तो आपका जो एनुअल इनकम है वो 3.6 लाख रुपीज से ज्यादा होना चाहिए, वही अगर आप बिजनेस करते हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो एनुअल इनकम है वो 4.8 लाख रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि अगर आपका एनुअल इनकम हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी होता है ना तो बैंक कंसिडर कर लेती है, तो एक बार अप्लाई करके देख लो अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी है तो। सो अगर आप बैंक के सारे क्राइटेरियाज को मीट करते हो तो आपको एक क्रेडिट कार्ड बहुत ईजिली मिल जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी, जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।